इन दिनों YouTube और विभिन्न सोशल मीडिया पर दो बड़े यूट्यूबर के बीच जंग छिड़ी हुई है, संदीप महेश्वरी और दूसरे विवेक बिंद्रा, जो एक मोटिवेशनल के साथ साथ उद्यमी भी हैं। संदीप महेश्वरी के YouTube पर 2.83 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, वहीं विवेक बिंद्रा के YouTube पर 2.14 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। विवेक बिंद्रा YouTube के अलावा BadaBusiness.com के फाउंडर और CEO हैं। ये दोनों बड़े यूट्यूबर के बीच YouTube सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि Instagram, Twitter और भी बहुत सारे सोशल मीडिया जिनमें सीधी टक्कर देखने को मिल रही है और लोगों के बीच इस वक्त ये दोनों चर्चा का विषय है। समाज का एक धड़ा संदीप महेश्वरी को सपोर्ट कर रहा है तो वहीं दूसरा विवेक बिंद्रा को। आखिर इन दोनों के बीच विवाद है क्या और ये विवाद कहाँ से शुरू हुई है, तो इस वीडियो में इसका पूरा इन्फॉर्मेशन जानेंगे। क्या किस तरीके से इसका विवाद का शुरू हुआ, तो उसके रिगार्डिंग क्या है ये विवाद और कहाँ से हुआ शुरू। दरअसल ये विवाद वहाँ से शुरू हुआ जब संदीप महेश्वरी ने अपने YouTube चैनल पर 11 दिसंबर 2023 को बिग स्कैम एक्सपोस्ट के नाम से एक 10 मिनट का वीडियो डाला। बस पूरा विवाद इसी वीडियो से शुरू हुआ। इस वीडियो में तीन लड़कों ने आरोप लगाया कि उन्होंने भारत के काफी बड़े यूट्यूबर से एक बिजनेस का कोर्स 50,000 रुपए में खरीद, लेकिन उन लड़कों को कोर्स खरीदने के बाद ये पता चला कि इस कोर्स से वो बिजनेस नहीं सीख रहे, तो इनके मुताबिक इस कोर्स की वैल्यू कुछ नहीं है। जब उन्होंने इस कोर्स के पैसे वापस मांगने चाहिए तो उनसे कहा गया कि पैसे रिटर्न करने की कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका पैसा वापस मिले तो आप ये कोर्स किसी और को बेचकर कमीशन के रूप में अपना पैसा वापस ले सकते हैं। इसके बाद संदीप महेश्वरी ने इसे स्कैम करार दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि संदीप महेश्वरी ने इस वीडियो में ना तो विवेक बिंद्रा का नाम और ना ही उनके बिजनेस और ना ही उनके BadaBusiness.com का नाम लिया, लेकिन इस वीडियो के सामने आते ही विवेक बिंद्रा ने इसे अपने ऊपर लेते हुए अपने YouTube चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट डालकर इस वीडियो को रिस्पॉन्स दिया। विवेक बिंद्रा ने कहा, संदीप भाई, मैंने आपका लेटेस्ट वीडियो देखा बिग स्कैम एक्सपोस्ट, क्योंकि आपने पोस्ट की है कि ये मुझसे और मेरी कंपनी से संबंधित है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने आधिकारिक ID से इस पर खुलासा चर्चा करनी चाहिए। इस पोस्ट के बाद संदीप महेश्वरी ने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर विवेक बिंद्रा को जवाब दिया और यहीं से दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। संदीप महेश्वरी ने लिखा, मेरे प्यारे विवेक, कि एक तरफ से आपने मेरी टीम को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने कर्मचारी को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार, क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ। तो ये थी पूरी विवाद जो कि संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में, जो कि एक बिग कॉन्ट्रोवर्सी होकर रह गई है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।